कैसी है जात कैसी मोहब्बत कैसी। तो दोस्तों अभी आपने जो प्रीव्यू में स्टेटस वीडियो देखा है ना, ये वाला स्टेटस वीडियो मेरे को एक भाई ने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करा है कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कैसे बनेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस तरीके की रील्स वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, भगवान महादेव के स्टेटस वीडियो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अलाइट मोशन से सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना, कुछ इस प्रकार से खुलेगा। प्लस ऑप्शन पर टैप करके 9:16 का रेशियो लेने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना। अब क्या करोगे, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर सॉन्ग ऐड करना होगा, तो उसके लिए आइकन पे जाना। ऑडियो पे जाने के बाद MP3 में तो यहाँ से ले सकते हो, बाकी मीडिया पे चलना। मैंने स्टेटस बना रखा है ऑलरेडी से, ठीक है, तो मैं उसमें से सॉन्ग एक्सट्रैक्ट करके लेता हूँ। वीडियो पे टैप करना है, 3 डॉट पे टैप करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को डिलीट कर देना है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक प्रोसेस आपको सिखाऊंगा। प्लस पे टैप करके मीडिया पे चलना है, यहाँ से आपको वो फोटो लेना है जिसके ऊपर में आप लोग स्टेटस बनाने वाले हो। तो मैं जो फोटो चूज करूँगा मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर आप लोग ले सकते हो पिंटरेस्ट ऐप से। ठीक है, पिंटरेस्ट ऐप तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हैं। फोटो लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इस तरीके से जूम कर लेना। फोटो की ड्यूरेशन को लास्ट तक करनी है। फोटो में अगर कुछ इफेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए इफेक्ट में जाना, एड इफेक्ट में जाना, कलर एंड लाइट के अंदर चले जाना। इधर से मिलेगा एक्सपोजर गामा प्लस करके स्टैंडर्ड, उसके बाद 0.10 कर देना एक्सपोजर को। गामा पे टैप करके आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो 0.950 कर लेते हैं, बैक कर देना। इफेक्ट पे क्लिक करना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना, फिर से कलर एंड लाइट के अंदर जाना, नीचे की साइड आना, सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला इफेक्ट लेके प्लस करके स्टैंडर्ड करके ओपन करना। सेचुरेशन पे टैप करके हल्की सी बढ़ा लेना, +3 या 5 के अप्रोक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना, फोटो आप लोग अपनी तरीके से अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर, जैसा भी रखना चाहते हो। ठीक है, आप लोग सेंटर करके सेट कर देना। अब क्या करोगे, यहाँ से प्लस पर टैप करके एक शेप लेना। शेप लेने के बाद एडिट शेप पे क्लिक कर देना, एक्स की साइज़ को बढ़ा लेना इधर। ठीक है, 300 के अप्रोक्स। वाई पे क्लिक करके इसकी भी साइज़ को यहाँ पे बढ़ा लेना, 380 के समथिंग। एंड रेडियस पे क्लिक करके इसको कर लेना यहाँ पे 50 के अप्रोक्स। नीचे की साइड आना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इधर आपको इसको सेट करना, जैसे आपने प्रीव्यू में देखा होगा। इस तरीके से इसकी साइज़ कम कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग साइज़ देख पा रहे हो। एंड रेक्टेंगल की साइज़ को पूरा लास्ट तक कर दीजिएगा। इमेज पे क्लिक करके प्लस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर देना। एंड जो डुप्लीकेट लेयर होगा ना, इसकी यहाँ पे साइज़ को कम कर देना है। साइज़ कम कर लेने बाद आपको शेप के नीचे कुछ इस प्रकार से सेट करना। शेप लेयर एंड रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रुप एज मास्क कर देना। उसके बाद जो ग्रुप एंड मास्क हुआ है ना, इसको इस तरीके से सेट करना। बॉर्डर एंड शेडो पे जाना, इधर जाने बाद शेडोज इनेबल कर सकते हो। ठीक है, एंड साइज वगैरह 5-6 कर लेना। एक्स एंड वाई को इधर से 0-0 कर लेना है। अब क्या करोगे, ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाना। यहाँ पे जाने बाद इमेज को अच्छे तरीके से आप इस रेक्टेंगल के अंदर सेट कर सकते हो, जैसे भी चाहो आप लोग। ठीक है, एकदम रेड लाइन के अकॉर्डिंग सेट करना, तो परफेक्ट यहाँ पर सेंटर में हो जाएगा। पैक कर देना, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। अब क्या करना, अपन एक बार इसके अंदर टेक्स्ट वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से डबल ए पे चलना। यहाँ पर जाने बाद क्या करना, यहाँ से आपने देखा होगा सबसे फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ था लव, वो वाला टेक्स्ट लिखना। कलर के ऑप्शन पर जाना, वाइट कलर सेलेक्ट करके इस तरीके से साइज़ बढ़ा लेनी। रोबोट और रेगुलर पे क्लिक करना, फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके अंदर जो फॉन्ट यूज करा है ना, वो फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सिग्नेचर नाम का फॉन्ट है, तो ये वाला फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग बढ़ा के कुछ इस तरीके से सेट करके ऊपर कर देना। तो यहाँ पे मैंने रखा था, ठीक है, इस पर यहाँ पे रख लेना। ड्यूरेशन लास्ट तक करके बॉर्डर एंड शेडोज पे जाके यहाँ पे शेडोज इनेबल कर सकते हो, ताकि एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके प्लस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट लेयर पे जाना एंड एडिट टेक्स्ट में जाना। अब क्या करोगे, इमोजी के अंदर चले जाना है। ठीक है, इमोजी के अंदर जाना, गिफ्ट वाला ऑप्शन में मिलेगा आप लोग, सॉरी ये आइकन है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है। ये जो हार्ट है ना, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसकी साइज़ तो कम करनी होगी आपको, इस तरीके से कम कर लेना। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना, आपको इधर लेके आना इसको। रोटेशन के ऑप्शन पे जाने बाद इसको हल्का सा रोटेट कर लेना। ठीक है, 40 या 45 डिग्री, तो कुछ इस प्रकार से मैंने रखा था इसको। अब क्या करना, इमोजी ऐड करनी होगी, तो उसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करके डबल ए पे चलना है।
यहाँ पर जाने पर इमोजी के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने पर आपकी जो भी मनपसंद इमोजी आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वाली इमोजी आपको ऐड कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। तो मैं ऐसे टाइप करके ऐड कर लेता हूँ। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है ना कलर के पास, इस पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर लेना, अलाइन करके सेंटर कर देना है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे इस इमोजी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद ड्यूरेशन लास्ट तक करना, इसका भी शैडोज इनेबल कर लेना ताकि दिखने में एकदम अच्छा लगेगा कुछ इस प्रकार से। अब क्या करोगे, यहाँ से जो शायरी लिखना है वो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या फिर उससे पहले जो मूविंग स्विंग वाला मेन इमोजी है ना वो मैं आपको टाइप करना बताता हूँ। प्लस पे क्लिक करके डबल ए पे चलना, यहाँ पे जाने के बाद वो वाला एक इमोजी आपने देखा होगा लेफ्ट राइट स्विंग कर रहा था, तो उसको ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ से इसकी साइज़ में बढ़ा लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसको भी ट्रांसपेरेंट कर लेना ताकि दिखने लग जाएगा। उसके बाद आईओएस फॉन्ट सेलेक्ट कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, टेलीग्राम पे दे दूंगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना, आप इसको सेंटर करके जहाँ पे भी रखना चाहते हो यहाँ तक रख लेना। ड्यूरेशन उसकी लास्ट तक कर देनी। इफेक्ट में जाना, एड इफेक्ट में जाना। अब क्या करोगे, आपको इधर मिलेगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर आना, स्विंग इफेक्ट लेके प्लस करके स्टैंडर्ड ओपन कर लेना कुछ इस प्रकार से। फ्रिक्वेंसी पे क्लिक करके 0.21 कर देना। एंगल पे क्लिक करके यहाँ से क्या करोगे, -41 कर देना है। उसके बाद नीचे आना, एंगल टू, इसको प्लस में 41 कर देना है। तो अब देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन एकदम इमोजी सही से स्विंग नहीं कर रहा आप लोग देख पा रहे हो। तो उसको करने के लिए क्या करना, स्टार्टिंग में चले आना, लेयर पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली से, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्लो करके देख सकते हो, या फिर कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे चलिए। यहाँ पे जाने बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसा लिख रखा है, ठीक है ना, स्वाइप हियर टू मूव लेयर। तो क्या करना है, फर्स्ट का ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक बिंदु जैसा आ जाएगा, तो ये वाला बिंदु है ना, इसको आपको हार्ट के जस्ट ऊपर लेके आना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एकदम रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक लेके आना। तो यहाँ पे आते ही देख सकते हैं यहाँ पे बदल गया, स्वाइप हियर टू मूव पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ। तो अब देख पा रहे हो कितना अच्छे तरीके से अपना इमोजी यहाँ पे लेफ्ट राइट स्विंग कर रहा है, तो एकदम परफेक्ट इस तरीके से स्विंग करेगा, ठीक है। इसका भी शेडोज इनेबल कर लेना ताकि एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा ये कुछ इस प्रकार से। बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना, स्टार्टिंग में की एड करना, हल्का सा आगे जाके इस तरीके से आपको इसको राइट साइड के तरफ रेड लाइन के अकॉर्डिंग लेके जाना। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके फिर से आपको इधर स्क्रीन से बाहर नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इधर थोड़ा सा आगे बढ़ाना। उसके बाद फिर से इसको लेफ्ट साइड की ओर करना है एंड इस तरीके से आपको करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आके सेंटर तक लेके आ जाना। तो देख पा रहे हो बैकग्राउंड इमेज में कुछ इस तरीके का लेफ्ट राइट होगा, ठीक है, जो आपने देखा होगा प्रीव्यू में भी हो रहा था कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने शायरी लिखा था ना, जो आप लोग शायरी लिख सकते हो उसको ऐड करना मैं आपको बताऊँगा। प्लस पे क्लिक करके डबल ए पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको जो भी शायरी लिखना है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना, जो भी लाइनिंग लिखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। कलर वाले ऑप्शन पे जाने बाद वाइट कलर कर लेना, एक लाइन में कर देना इस तरीके से, यहाँ पे एरोज दे देना। आप क्या करना, फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। अलाइट मोशन ऐप के अंदर एक फॉन्ट होता है, ठीक है, लैला बोल्ड नाम का कुछ फॉन्ट है वो, तो वो वाला फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर देना इसके अंदर, तो मस्त लगता है एकदम। आप लोग स्टाइलिश फॉन्ट कैसे ऐड करते हो वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, तो आप लोग देख लेना। उसमें मैंने स्टाइलिश फॉन्ट दिए हिंदी वाले और उनको कैसे यूज करना वो भी बताया है, तो स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने, तो आपको वो वीडियो देख लेना। इसके ड्यूरेशन लास्ट तक करना, बॉर्डर शेडोज पर जाना, ऐसा शेडोज इनेबल कर सकते हैं। अब क्या करना, इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कलर वाले ऑप्शन में जाने बाद यहाँ पर जो भी कलर लगाना, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह टाइप कर लेना। उसके बाद लास्ट काम क्या करना, प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर चलना। एक इफेक्ट वीडियो मैं दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाला इफेक्ट वीडियो आपको इसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। इफेक्ट वीडियो लेने बाद इस पर क्लिक करना, इसका वॉल्यूम इधर से म्यूट कर देना। उसके बाद इस पर जाना, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पर जाके लाइट एंड पर जाके स्क्रीन मोड में कर देना, तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट चलेगा। एंड इफेक्ट की ड्यूरेशन कितनी रखनी है, जितना सॉन्ग होगा, ठीक है। बाद में इस पर टेप करके पीछे से कट कर लेना। एंड इस इफेक्ट को सिर्फ आपको यहाँ पे ग्रुप के ऊपर तक कर देना है, ठीक है, टेस्ट के ऊपर नहीं रखना है। ऊपर एरो आइकन पे क्लिक करके इधर से एक्सपोर्ट बटन पे टेप कर देना, तो वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। अलाइट मोशन से वीडियो सेव हो जाने बाद सुपर वीपीएन को ओपन करना।
या फिर कोई भी वीपीएन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सुपर वीपीएन का यूज़ कर रहा हूँ जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो चुका है, बैक कर देना। कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना। कैपकट एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। ओपन हो जाता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से वो नॉर्मल वीडियो सिलेक्ट करना, जो भी अपन ने लाइट मोशन ऐप से एक्सपोर्ट करा है ना, वो वाला नॉर्मल वीडियो आपको इधर से लेना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो इस पर क्लिक करके ऐड वन पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस के साथ में ओपन हो जाएगा। अब क्या करोगे, आपको बैक साइड में आना है वीडियो के, यहाँ पे एक कैपकट का लोगो होगा एंडिंग पार्ट, उस पर टैप करके नीचे से डिलीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में चले आइए, यहाँ पे आने बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। वीपीएन कनेक्ट होगा तभी काम करेंगे, ठीक है, नहीं तो खुलेगा ही नहीं। आपको ट्रेंडिंग में ही दिख जाएगा डायमंड जूम नाम का कुछ इफेक्ट है वो। ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट मैंने लगाया था, तो इसको ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से एंड वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ यहाँ तक रख लेना है, तो आपने प्रीव्यू में देखा होगा, तो यहाँ तक रख लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आएगा। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से आपको क्वालिटी बढ़ा देनी सेव करने के लिए, क्वालिटी बढ़ा के इधर से एक्सपोर्ट कर लेना। सो गाइज, इस वीडियो के एडिटिंग से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा मैं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।